हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश एनिमेशंस। आप में से बहुत सारे लोग थिंकेत भाई की एडिटिंग ब्रेकडाउन के बारे में पूछा है, तो आज हम भाई की ये एनिमेशन रिक्रिएट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं इस टाइप की इमेज को पिक्सल से डाउनलोड किया, आफ्टर दैट ये इमेज की बैकग्राउंड को अडोबी एक्सप्रेस एप्लीकेशन से रिमूव कर दिया, लेटर ये इमेज से बैक को सेपरेट किया, आफ्टर दैट ये इमेज से हैंड को सेपरेट किया, एंड लास्ट में ये इमेज को पिक्सार्ट की क्लोन टूल की मदद से ये कैरेक्टर के पैंट पर क्लोन कर दिया। नाउ ये सारे PNG इमेजेस को अलाइट मोशन में इंपोर्ट करिए। फर्स्ट हम एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, उसके लिए ये प्लस आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करिए, एंड ये प्रोजेक्ट की फ्रेम रेट है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए। नाउ हम प्रोजेक्ट की एसेट्स को इम्पोर्ट करेंगे। फर्स्ट मैं कैरेक्टर इमेज को ऐड करूंगा। अब हम बैक PNG इमेज को ऐड करेंगे। ये इमेज के बाद हैंड PNG इमेज को ऐड करिए। अब कैनवास की साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि बैग इमेज को फोकस कर पाए। अब बैग लेयर को सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब हमें बैग लेयर की पिवट पॉइंट को एडजस्ट करना है। पिवट पॉइंट को एक्सेस होने के लिए पोजीशन आइकॉन पर एक बार क्लिक करिए। अब पिवट पॉइंट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। मैं ये बैग लेयर की पिवट पॉइंट की पोजीशन को यहाँ पर प्लेस किया ताकि ये बैग की एनिमेशन ये पॉइंट से शुरू हुए। अब हम कैनवस के साइज को और थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि ये सब्जेक्ट की हेड को हम फोकस कर सके। आफ्टर दैट वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। अब ये टूल की मदद से सब्जेक्ट की हेड के अराउंड एक शेप को मेरे तरह ड्रॉ कर लीजिए। आफ्टर दैट ये लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ ब्लर स्ट्रेंथ को एडजस्ट करिए। मैं ब्लर स्ट्रेंथ को 0.025 पर सेट करूंगा। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ एक शेप लेयर को हाइड करिए। अब सब्जेक्ट इमेज को डुप्लीकेट करिए, एक कॉपी को हाइड करिए। नाउ ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मास्किंग की आइकॉन पर क्लिक करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हेड बॉडी से सेपरेट हो गया। नाउ ये दो लेयर्स को अनहाइड करके सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्सक्लूजन आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये हेड एंड बॉडी सेपरेट हुए हैं। अब हम हेड को ईजिली एनिमेट कर सकेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हेड के नीचे थोड़ा गैप क्रिएट हुआ है। अब हमें ये गैप को फिक्स करना है। उसके लिए बॉडी लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब ये शेप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए। नाउ ये पॉइंट्स को थोड़ा ऊपर लेकर जाइए। आफ्टर दैट मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। अब ये फिक्स हो गया। अब कैनवास की साइज को रीसेट करिए। आफ्टर दैट हेड लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की पिवट पॉइंट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये हेड ये पॉइंट से मूव होगा। अब ये सारे लेयर्स को 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर दीजिए। आफ्टर दैट बैक लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये लेयर की पहले फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर जाइए, यहाँ पर रोटेशन की वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब की फ्रेम कर्व्स को ओपन करिए। यहाँ पर बाउंसी कर्व्स को सिलेक्ट करिए। नाउ ये साइक्लिक कर्व्स को सिलेक्ट करिए। अब ये कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। लेट्स सी द प्रीव्यू फ्रेंड्स। एनिमेशन लिटिल स्लोवर है भाई, हमें कर्व्स को और थोड़ा एडजस्ट करना है। नाउ ये लिटिल बेटर है फ्रेंड्स। अब हम ये कर्व्स को कॉपी करेंगे। आफ्टर दैट हेड लेयर को सिलेक्ट करिए। बिफोर डूइंग एनीथिंग, फर्स्ट हम कैनवास की साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। अब ये लेयर की पहले फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। ये की फ्रेम पर रोटेशन वैल्यू को 8 डिग्री पर सेट करिए। अब लास्ट फ्रेम पर जाइए, यहाँ पर रोटेशन वैल्यू को -8 डिग्री पर सेट करिए। नाउ प्रीवियसली कॉपीड कर्व्स को यहाँ पेस्ट करिए। अब एक बार प्रीव्यू को देख लीजिए फ्रेंड्स। नाइस। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हेड मूव हुआ तो यहाँ छोटा सा गैप क्रिएट होता है, तो फर्स्ट हम ये गैप को फिक्स करेंगे। इसे फिक्स करने के लिए वेक्टर ड्रॉइंग टूल को ऐड करिए। अब ये टूल की मदद से मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ कर लीजिए। नाउ ये लेयर को सभी लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ ये शेप की कलर को सब्जेक्ट के बॉडी की कलर से मैच कर दीजिए। परफेक्ट।
अब ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। नाउ हम कॉरिडोर्स इमेजेस को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट ये इमेज को कैनवस की साइज में फिट करेंगे। नाउ ये इमेज को रिपोजिशन करेंगे। अब और एक कॉरिडोर इमेज को ऐड करेंगे। अब ये इमेज को भी कैनवास की साइज में फिट करेंगे। आफ्टर दैट ये इमेजेस की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड कर दीजिए। नाउ एक नॉल ऑब्जेक्ट को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब और एक इमेज की पोजीशन को ये इमेज के नीचे प्लेस करेंगे। आफ्टर दैट ये दो कॉरिडोर इमेजेस को नॉल के साथ लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए फर्स्ट इमेज लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये आइकॉन पे क्लिक करिए। नाउ यहाँ नॉल को सिलेक्ट करिए। अब सेकंड लेयर को भी इसी तरह नॉल के साथ लिंक कर दीजिए। आफ्टर दैट नल लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं नल लेयर की पोजीशन को एडजस्ट किया तो ये दो इमेजेस की पोजीशंस भी एडजस्ट हो जाएंगे। ये नॉल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट कैरेक्टर इमेज को ऊपर लेकर आइए। नाउ हम ये कैरेक्टर के नीचे शेडो को क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक सर्कल शेप को ऐड करिए। अब ये शेप की कलर को ब्लैक कर दीजिए। नाउ ये शेप को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट ये लेयर को कैरेक्टर लेयर के नीचे प्लेस करिए। अब ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ ये शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ब्लर स्ट्रेंथ को एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू एनिमेट द सीन। मैं ये एनिमेशन को एक सेकंड से स्टार्ट करूंगा, तो मैं यहाँ एक सेकंड फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करूंगा। अब ये मार्क से एक सेकंड 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक मार्क को ऐड करिए। अब फर्स्ट मार्क पर जाइए। नाउ नल लेयर को सिलेक्ट करिए एंड ये फ्रेम पर नॉल लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट सेकंड मार्क पर जाइए। अब यहाँ नॉल लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर कर दीजिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। ये एनिमेशन पर मोशन ब्लर अप्लाई हुआ तो ये एनिमेशन और इंटरेस्टिंग होगा, बट नल लेयर पर मोशन ब्लर इफेक्ट काम नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, मोशन ब्लर वर्क नहीं हो रहा। डोंट वरी फ्रेंड्स, हम ये मोशन ब्लर को मैन्युअली क्रिएट करेंगे। अब फर्स्ट ये कॉरिडोर इमेज को सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट इफेक्ट्स पर जाके बॉक्स ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। थोड़ी देर के लिए ब्लर स्ट्रेंथ को जीरो करिए। अब फर्स्ट मार्क पर एक स्ट्रेंथ की फ्रेम को ऐड करिए और एक स्ट्रेंथ की फ्रेम को सेकंड मार्क पर ऐड करिए। अब ये दो की फ्रेम्स की सेंटर में और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम पे स्ट्रेंथ की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। आफ्टर दैट ये इफेक्ट को कॉपी करिए। अब ये इफेक्ट को सेकंड कॉरिडोर इमेज लेयर पे पेस्ट करिए। अब देखिए ये इमेजेस मूव होते समय ब्लर होते हैं। अब हम कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे। अब फर्स्ट मार्क पर कैरेक्टर के इमेज लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक पोजीशन की फ्रेम को सेकंड मार्क पर ऐड करिए। नाउ ये दो की फ्रेम्स के बीच में और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम पर कैरेक्टर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। परफेक्ट। अब फर्स्ट मार्क की फ्रेम पर जाइए। ये फ्रेम पर शैडो लेयर को सिलेक्ट करके कैरेक्टर लेयर के साथ लिंक कर दीजिए। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करिए। ये फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए और एक ओपेसिटी की फ्रेम को सेकंड मार्क पर ऐड करिए। अब ये दो की फ्रेम्स के बीच में ओपेसिटी वैल्यू को जीरो कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये की फ्रेम पर शेडो की ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे। फर्स्ट की फ्रेम पर भी शेडो की ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दीजिए। अब कैरेक्टर इमेज को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पर जाइए। अब यहां डिस्टॉर्शन एंड वॉर्प सेक्शन से बेंड इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद ये बेंड की ओरिजिन को देखिए फ्रेंड्स। अलाइट मोशन ने डिफॉल्ट ही बेंड की ओरिजिन को बॉटम पर रखा है, बट फ्रेंड्स ये ओरिजिन का काम क्या है, चलो अब एक साथ पता लगाएं। ये बेंड की ओरिजिन बॉटम पर रहा तो ये इफेक्ट एलिमेंट के बॉटम पार्ट को होल्ड करके रिमेनिंग पार्ट को बेंड करेगा। अगर हम बेंड की ओरिजिन को टॉप पे सेट किए तो ये इफेक्ट एलिमेंट के टॉप पार्ट को होल्ड करके रिमेनिंग पार्ट को बेंड करेगा।
इसी प्रकार आप बेंड की ओरिजिन को लेफ्ट पर सेट किए तो ये इफेक्ट एलिमेंट के लेफ्ट पार्ट को होल्ड करके रिमेनिंग पार्ट को बेंड करेगा। तो फ्रेंड्स मुझे सिर्फ ये कैरेक्टर की लेग्स को बेंड करना है, मतलब एलिमेंट की बॉटम पार्ट को, तो मैं बेंड की ओरिजिन को टॉप पे सेट करूंगा। आफ्टर दैट एंगल वैल्यू को एडजस्ट करिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट बॉडी को बेंड कर रहा है, मुझे तो सिर्फ लेग्स ही बेंड होना चाहिए था। अब मैं ये कैरेक्टर को बैक के नीचे से बेंड करूंगा। अब ये स्टार्ट वैल्यू को समथिंग अराउंड 70 पे सेट किए तो ये बैक के नीचे से बेंड होगा। अब एंगल वैल्यू को थोड़ी देर के लिए 0 पर सेट करेंगे। नाउ फर्स्ट मार्क पर एक एंगल की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को सेकंड मार्क पर ऐड करिए। अब ये दो की फ्रेम्स के बीच में एंगल वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। ये बहुत बेंड हो गया फ्रेंड्स, ये बेंड की एंगल को हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब कैरेक्टर लेयर को सिलेक्ट करके मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ यहां मोशन ब्लर की ट्यून वैल्यू को 0.7 पर सेट करिए। अब ये प्रोजेक्ट की पहली फ्रेम पर हैंड इमेज को इंपोर्ट करिए। नाउ ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक पोजीशन एंड रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये मार्क पर पोजीशन एंड रोटेशन की फ्रेम्स को रिपीट करिए। अब फर्स्ट रोटेशन की फ्रेम पर रोटेशन वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब फर्स्ट पोजीशन की फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ सेकंड रोटेशन की फ्रेम पर ये इमेज की रोटेशन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये मार्क पर हैंड इमेज लेयर पर पोजीशन एंड रोटेशन की फ्रेम्स को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर ये इमेज की पोजीशन एंड रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये लेयर को ये फ्रेम पर ट्रिम कर दीजिए। अब फर्स्ट मार्क पर जाइए। नाउ ये फ्रेम पर हैंड लेयर को सिलेक्ट करके कैरेक्टर लेयर के साथ लिंक कर दीजिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब ये हैंड लेयर पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। मोशन ब्लर को अप्लाई करने के बाद डिफरेंस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये मार्क पर कार इमेज को ऐड करिए। नाउ ये कार इमेज की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। After that, ये इमेज की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर ये कार इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। देखिए ये कार कैरेक्टर को हिट किया है तो अब हमें कैरेक्टर की मूवमेंट को एनिमेट करना है। ये फ्रेम पर कार कैरेक्टर को टच हो रहा है तो मैं कैरेक्टर की एनिमेशन को ये फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। अब ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर ये कैरेक्टर की पोजीशन को मेरे तरह चेंज कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। देखिए फ्रेंड्स ये एक्सीडेंट सीन मैच नहीं हुआ है, इसे मैच करने के लिए हम पहली की फ्रेम की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। मैं ये की फ्रेम को सिर्फ एक फ्रेम बैकवर्ड में प्लेस किया है। अब ये एनिमेशन प्रीवियस एनिमेशन से थोड़ा बेहतर है। अब हम कार लेयर पे मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। अब कैरेक्टर इमेज को सेलेक्ट करिए। ये फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम पर रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब पोजीशन को भी थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए। नाउ ये एनिमेशन को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ इट्स परफेक्ट। अब हम कार के नीचे शैडो को ऐड करेंगे, उसके लिए वेक्टर ड्रॉइंग टूल को ऐड करिए। अब ये टूल की मदद से कार के अराउंड एक शेप को मेरे तरह ड्रॉ कर लीजिए। नाउ ये शेप की कलर को ब्लैक कर दीजिए। अब ये लेयर को कार लेयर के नीचे ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये लेयर पर गॉशियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ ब्लर स्ट्रेंथ को एडजस्ट करिए। अब ये लेयर को यहां से स्टार्ट करिए।
अब ये फ्रेम पर, ये शेप लेयर पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 10 फ्रेम्स बैकवर्ड है। यहाँ पर ओपेसिटी वैल्यू को जीरो कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। एक्चुअली ये की फ्रेम को ये लेयर की पहली फ्रेम से स्टार्ट करिए। नाउ हम BMW लोगो को ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग द लोगो, इसकी साइज एंड पोजिशन एंड रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ ये लेयर को यहां से स्टार्ट करेंगे। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर ये लोगो की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को ये फ्रेम पर ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को जीरो कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। आफ्टर दैट ये लेयर पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ ये लेयर को कार की शेडो लेयर के नीचे ट्रैक करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करिए। दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी क्रिएटर्स की एनिमेशन को महेश एनिमेशन से रिक्रिएट करवाना है तो आप वो एनिमेशन को स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो क्लिप को मेरे इंस्टा पर DM कर दीजिए। आई विल ट्राई टू रिक्रिएट द एनिमेशन।